अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रफाकत कियानी और रफाकत कियानी यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों आज मैं एक दफ़ा फिर मौजूद हूं पर्ल कंप्यूटर पर और मेरे साथ हैं शहद भाई। और आज हम आप दोस्तों के लिए लाए हैं कंप्लीट पीसी सेटअप जिसमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और केबलें वगैरह और सीपीयू जो है कम्प्लीट सेटअप है। जिधर एक सिस्टम के साथ जो चीज़ें लगती हैं वो सारी की सारी हमने आज रखी हैं। और इस बिल्ड का जो हमने रखी है बिल्ड, ये तकरीबन 25,000 में बनेगी ये सारी बिल्ड, ये जितनी भी चीज़ें हैं। अब इनके स्पेक्स आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने 25,000 में लगाई हैं। कोशिश की है कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस वाली जितनी भी चीज़ें लग सकती हैं वो लगाएं। सबसे पहले तो हम कीबोर्ड माउस की बात कर लेते हैं। ये हमने दोनों रखे हैं, डेल के ब्रांडेड हैं। और कीबोर्ड माउस और केबलें ये सारी चीज़ें ब्रांडेड हैं। और सर जी ये सारी चीज़ें कितने में मिलेंगी? 1000 रुपीज़, 1000 में। ये सारी तीन चार चीज़ें जितने भी हैं, दो पावर केबलें हैं, एक वीजीए केबल है और दो एक कीबोर्ड और एक माउस, ये दोनों ब्रांडेड हैं, डेल के हैं, अच्छे चलते हैं। मैं खुद यूज़ किए हैं, अभी भी यूज़ कर रहा हूँ। ये ब्रांडेड चीज़ें जो होती हैं ये अच्छी चलती हैं। सस्ती नई लेने से बेहतर है कि आप यूज़ जो है वो ब्रांडेड ले लें। तो ये 1000 में मिल जाएंगी केबलें और ये सारा सेटअप, कीबोर्ड माउस। उसके बाद जो हमने मॉनिटर रखा है ये 22 इंच का मॉनिटर है, ठीक है सर। ये आईपीएस में ये नॉर्मल है, ये जो रखा है ये नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास आईपीएस भी अवेलेबल है, ठीक है। ये 22 इंच में है, ये नॉर्मल। इसकी सिर्फ मॉनिटर की क्या प्राइस है? नॉर्मल जो होता है वो 5500 रुपये का है। अगर आईपीएस में कोई लेना चाहेगा तो वो 6500 रुपये, 6500 में मिल जाएगा 22 इंच का, ठीक है। आईपीएस पैनल में 6500, नॉर्मल जो एचडी है वो आपको तकरीबन 5500 का मिल जाएगा। उसके बाद हमने ये जो सिस्टम रखा है ये i5 की 3rd जनरेशन है और इसमें रैम 4GB लगी है और 500GB हार्ड डिस्क में लगी है। और इसमें जो पावर सप्लाई लगी है ये 270 वोल्ट की है, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसमें थोड़ी बड़ी पावर सप्लाई लगाना चाहते हैं तो ये इस ये जो इसका कैबिनेट है इसमें ये चेंज हो सकती है। और अगर आप बड़ा वाला ग्राफिक कार्ड वगैरह लगाते हैं तो बड़ी पावर सप्लाई लगानी पड़ेगी। तो इसमें फ़िलहाल जो लगी है 270 वोल्ट की लगी है, ठीक है। और हार्ड जो इसमें लगाई हुई है वो 500GB की हार्ड लगी हुई है। SSD इसमें शामिल नहीं है, ये जो 25,000 का बजट है SSD हमने इसमें शामिल नहीं की। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा बजट है, मतलब है कि 128GB की जो है वो 3000-3500 की मिल जाएगी SSD ब्रांडेड वाली यूज़ में, 3000-3500 के बीच में मिल जाएगी 128GB की। वो अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। बाकी इसमें आप अगर रैम अपग्रेड करना चाहें तो सर जी 4GB रैम की क्या प्राइस है? 2000 की 4GB की DDR3 रैम हमें मिल जाएगी। और इसमें अगर हम ग्राफिक कार्ड को लगाना चाहें तो फिलहाल अवेलेबिलिटी कोई है ग्राफिक कार्ड की आपके पास? नहीं, ग्राफिक कार्ड इस वक्त नहीं है मेरे पास, ठीक है। वैसे जो 2GB का ग्राफिक कार्ड का रफ आइडिया दे देंगे कितने तक मिल जाएगा? DDR3 वाला अगर लेना चाहेंगे तो वो 7500-8000 रुपये का होता है, ठीक है। अगर वही DDR5 में अगर जाएंगे 750 Ti या 660 वगैरह तो वो 15,500-16,000 ये इसका रेट चलता है। तकरीबन 15,000 से लेकर तो 17,500 तक ही रेंज में मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर 4GB का कुल लगाना चाहे बंदा तो 4GB का जो ग्राफिक कार्ड है वो 25 से लेकर तो 40,000 तक, ठीक है। ये मतलब एक DDR पर करता है कि DDR5 है या कौन सा है वो, कौन सा और बिट्स वगैरह का भी होता है, बिट वगैरह भी होता है, इसकी बिट्स कितने हैं। तो ये कितना 25,000 से 40,000 के बीच में मिलेगा 4GB? 4GB हाँ, 25,000 से 40,000 के बजट में मिल जाएगा। अगर आपको 4GB का ग्राफिक कार्ड लगाना चाहें, उनके बिट्स कितने हैं या उसके DDR5 कौन सा है, 5 है या उसके हिसाब से प्राइस होगी। और जो वेरिएंट होते हैं जैसे कि EVGA हो गया या Zotac वगैरह, इनकी भी प्राइसेस में डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत, हाँ इनकी वजह से भी होता है। अच्छा तो भाई ये बिल्ड थी, अगर आप सिर्फ CPU परचेज करना चाहते हो, 500GB या 4GB रैम और i5 की 3rd जनरेशन है, ये कितने का मिलेगा सिर्फ CPU? 17 में मिल जाएगा 17,500 रुपये का, 17,500 का ये आपका अगर सिर्फ CPU परचेज करो तो वो मिल जाएगा। अगर दूसरी चीज़ें आपके पास हैं, कीबोर्ड माउस और केबलू का सेट जो 1000 का है और जो मॉनिटर है वो 5500 का भी है जो नॉर्मल वाला है, और IPS में जाएं तो वो तकरीबन 6500 का मिल जाएगा। टोटल अगर ये सारी चीज़ें आप लेते हो तो ये बिल्ड आपकी 25,000 तक बन सकती है। तो शायद भाई का कॉन्टैक्ट नंबर, शॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप शॉप से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, शॉप पर विजिट कर सकते हो। मिलते हैं अपनी किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।